कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद रामदयाल उकेई ने आज पहली बार भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि कांग्रेस के पार्टी से त्रस्त हो चुका था, इस वजह से मैं इस्तीफा देकर भाजपा में प्रवेश कर लिया हूं। अब भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और कोरबा क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत होगी, यहाँ कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगा। भाजपा में शामिल होने के बाद पाली तानाखार विधायक रामदयाल उकेई ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी से मैं त्रस्त हो चुका था और जनता भी परेशान है, इस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी दोबारा प्रवेश कर लिया हूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता और गरीब के बारे में सोचती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सोचकर नई नई सुविधाएं जन जन तक पहुँचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अधिकार दिया, 4.5 लाख आदिवासियों को पट्टा दिया गया, अब छत्तीसगढ़ में कोई भी आदिवासी भूमिहीन नहीं होगा। ये सब योजना भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को सौगात के रूप में दी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व और उनकी विचारधारा से त्रस्त होकर मैं भाजपा ज्वाइन किया हूँ। इसका कारण है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक एक गरीब के घर तक अपनी योजना को पहुंचाकर काम कर रहे हैं, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए। छत्तीसगढ़ के नए केवल पूरे हिंदुस्तान के समस्त आदिवासी भाइयों को उनकी समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए नई नई योजना बनाकर जो लाभ पहुंचा रहे हैं, अटल आवास योजना के माध्यम से एक एक गांव में 100, 150, 200 गरीबों का पक्का आवास बना रहे हैं, इससे गरीब बहुत खुश हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का जो अधिकार था भूमि अधिग्रहण बिल, उसको सरकार ने वापस ले लिया और हमेशा के लिए आदिवासियों को अधिकार दे दिया। दूसरी बात है, आदिवासियों के ऊपर कई तरह के प्रकरण थे, पूरे प्रदेश का लगभग 20,000 केस उन्होंने वापस करके आदिवासियों का सम्मान किया। 4.5 लाख वन अधिकार के पट्टा आदिवासियों को उन्होंने प्रदान किया है, अब भूमिहीन कोई भी आदिवासी नहीं रहेगा। मोदी जी के इन तमाम क्षेत्र की गरीब जनता के प्रति जो भावनात्मक योजना को देखते हुए मैंने निर्णय लिया, और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो छत्तीसगढ़ का विकास और उन्नति कर सकती है और पूरे हिंदुस्तान का उन्नति और प्रगति कर सकती है। रामदयाल उकेई ने कहा कि वे सीडी बनाने वालों से भी परेशान थे, सीडी बनाने वालों को पार्टी से बाहर करने कई बार मांग की लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। उन्हें पार्टी से निकालने के लिए कई बार कहा गया लेकिन छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने उनका साथ देकर काम करते रहे, इसी वजह से मैंने पार्टी छोड़ दिया। रामदयाल उकेई ने कहा कि कोरबा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की 4 सीट आएगी और यहाँ भाजपा की जीत होगी, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल पाएगा। रामदयाल उकेई ने कहा कि 1998 में बीजेपी का विधायक था और आज भी बीजेपी के लिए काम करूंगा। मैं कांग्रेस के नेताओं से बहुत तंग आ गया था, जिस तरह की राजनीति भूपेश बघेल जी करते हैं उनके हृदय में तो किसी के प्रति सम्मान ही नहीं है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के महिलाओं को उन्होंने अपमानित किया, एक राजनेता का काम जनता के हित के लिए काम करना होता है, ना कि किसी के व्यक्तिगत जीवन पे किसी का अलूल जलूल सीढ़ी बनाना, ये अलूल जलूल काम में लगे रहते हैं। मैंने स्पष्ट कहा कि सीढ़ी बनाने वालों को पार्टी से निकाल दीजिए, तभी पार्टी की छवि बनेगी। इन्होंने हमारे एक भी बात नहीं सुनी, उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये अब शकुनी है। ये इसका मानसिकता को समझिए। मैंने सबसे पहले 98 में मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक था और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो हमारे गांव घर का था, अच्छा क्षेत्र का विकास को दृष्टिगत रखते हुए मैंने उनको अपनी सीट दिया था, लेकिन वो भी नकली, बाद में पता चला वो भी नकली निकला, असली आदिवासी नहीं निकला। भाजपा नेता रामदयाल उकेई ने कहा कि तानाखार में 2,10,000 जनता मेरे साथ है, इस क्षेत्र में कब्जा है और अब कोरबा क्षेत्र के 4 विधानसभा सीट में भाजपा की जीत होगी। कांग्रेस के लोग सीट पैसा लेकर बेचने के काम करते हैं और सीडी बनाने जैसे कृत काम करते हैं, इस वजह से मैंने समय रहते पार्टी छोड़ दिया।
अभी पूरे प्रदेश के चारों तरफ से इतने सारे फोन आ रहे हैं, जो जो पीड़ित है, परेशान है, वो सभी लोग फोन कर रहे हैं कि आपने जो फैसला लिया वो सम्मानजनक है और अब आपको हमेशा विकास करने वाली पार्टी के साथ रहना है, क्योंकि मैं विकास को प्राथमिकता देता हूँ और विकास के लिए ही हमें जनता ने चुन के भेजा था। ताना खा के समस्त हमारे कार्यकर्ता, हमारे मतदाता, 1,210,000 मतदाता मेरे साथ हैं, समस्त कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। और कोरबा जिला के 4-0 अभी तक 3 विधानसभा कांग्रेस के पास था, 1 बीजेपी के पास, तो चारों के चारों विधानसभा अब भाजपा को मैं जिता के दूंगा, कांग्रेस वहाँ खाता नहीं खोल पाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो भी छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के लिए काम प्रारंभ किया और उन्हें जो आदिवासियों को सम्मान दिया, महिलाओं को जो सम्मान दिया, मुझे उनका ये विचार बहुत अच्छा लगा। और मैं लगातार माननीय पुनिया जी से भी कहा कि ये जो फर्जी लोग हैं, जो सिर्फ नेताओं का सिटी बना रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से हटा दीजिए। उन्होंने हटाने का नहीं किया, बल्कि उनको लेके चल रहा था। मुझे लगा कि ये इस पर लिप्तता ही इनकी है, यही काम है। इसलिए मैंने अपने विचार को फिर से एक समाज सेवक पार्टी के साथ जुड़ने का फैसला लिया। For more information, log on to www.clips.in.